वेलकम टू वी एन आर। मैंने अभी 6 पेंसिल वाला सेट ले रखा है जिसमें एच बी, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B तक की पेंसिल है। इस तरह के 6 पेंसिल वाले सेट हर लोकल जगह पे मिल जाते हैं, इसलिए मैंने यही ले रखा है क्योंकि मैं डेमोस्ट्रेशन हर एक जो लोकल हैं उनको भी काम आए इसलिए मैंने ले रखा है। वरना मेरे पास 10B तक की पेंसिल्स हैं लेकिन वो जो 6 पेंसिल यूज़ करते हैं उन्हें भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम इस पेंसिल को कटर की मदद से शार्प कर लेते हैं, इसकी लीड निकल लेते हैं, क्योंकि हम जब शेडिंग करेंगे तब हमको बेस्ट शेडिंग, स्मूथ शेडिंग हो पाए इसलिए हम लीड को जो है इतना शार्प रखते हैं। आपने प्रोफेशनल आर्टिस्टों को देखा होगा यूट्यूब पे, कितने सारे वीडियो होते हैं वो देखे होंगे, तो उसमें आपने एक बार नोटिस की होगी कि उनकी जो लीड होती है वो काफ़ी शार्प होती है। इस तरह से देखिए, आप अभी देख सकते हो, इस तरह से हम शेड कर पाएंगे। तो हमारी जो पेंसिल होती है वो लीड जो होती है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए। और फिर ये जो है वो सैंड पेपर है, तो आपको भी एक सैंड पेपर लेना है और इस तरह से पेंसिल को घिस के इसकी जो लीड है उसको पॉइंटेड बनानी है। तो इस तरह से आप इसको शार्प कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा जो शार्पनर का सफ़र था वो ख़त्म होता है। शार्पनर हमें सिर्फ कलर पेंसिल में ही उसकी ज़रूरत होगी। इस पेंसिल, ग्रेफाइट की पेंसिल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हम कटर की मदद से ही इस तरह से शार्प करके हम शेडिंग करेंगे। तो इस तरह से हम जब शेडिंग करते हैं तब हमारा जो शेडिंग होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले HB पेंसिल ले रखी है, तो आप देख सकते हो HB का जो बॉक्स है, और आप देख सकते हो कि मैंने पेंसिल किस तरह से होल्ड की हुई है। HB का जो था वो हो चुका है, मैं ऊपर लिख देता हूँ HB। HB से लेके 10B तक का जो बॉक्स है वो हम सभी उसमें जो है शेडिंग करेंगे। हमारे पास 2B की पेंसिल है तो हम 2B का भी बॉक्स उसमें भी हम शेड कर लेते हैं। तो कितना इजी तरीके से हो रहा है। तो ये हमारा 2B का बॉक्स भी रेडी हो चुका है। तो 3B हमारे पास नहीं है तो 3B की जगह हम 2B ही इस्तेमाल करेंगे। 2B को जब हम 3B में इस्तेमाल करेंगे तब थोड़ा प्रेशर देके इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो 2B का में जो डार्कनेस है उससे थोड़ी सी ज़्यादा डार्कनेस 3B में होनी चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। अब ये जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो 4B का तो हमारे पास है पेंसिल, तो 4B की पेंसिल से हम इस बॉक्स को क्लियर करते हैं। तो ये 4B का, आपको भी इसी तरह की एक बार प्रैक्टिस करने की है। आगे के वीडियो में हम शेडिंग की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये आपको वो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए कि कौन सी पेंसिल कितनी डार्क होती है ये आप इस बॉक्स की मदद से आप देख पाओगे। तो ये आपका डेमोस्ट्रेशन ही है। 5B नहीं है तो हम 4B को थोड़ा प्रेशर देके इस बॉक्स को फील करेंगे। हमारे बॉक्स लाइट टू डार्क जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करने की है। शेडिंग के ऊपर काफ़ी क्लास होने वाले हैं, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो शेडिंग में काफ़ी मिस्टेक करते हैं। हमारी 6B की पेंसिल है तो 6B से हम 6B का बॉक्स फिल करेंगे, उसमें शेडिंग करेंगे। धीरे धीरे हमारे बॉक्स जो है वो डार्क होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लाइट टू डार्क
जा रहे हैं, आप देख सकते हो। मेरे पास 10B तक की पेंसिल्स है, मौजूद है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो सेट जिन्हें नहीं मिलता है, मुझे गांव में इस तरह के लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमको 10B तक का सेट नहीं मिला है, अब हम क्या करें, तो उनके लिए मैं ये जो है करके दिखाता हूँ कि इस तरह से वो भी कर सके। 6B की पेंसिल 7B के बॉक्स में हम थोड़ा सा प्रेशर देके कर रहे हैं। अगर आपके पास 7B की है तो आप उसी से ही कीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि 6B से आप भी करो। आपके पास 5B की है तो उससे कीजिए, 6B है तो उस बॉक्स में उसके हिसाब से ही कीजिएगा। अगर आपके पास 10B तक के वो पेंसिल्स हैं तो, अगर नहीं है आपके पास भी 6 वाला सेट है तो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप उसी तरह से कीजिएगा। और ये 6 वाले जो बॉक्स होते हैं, जो पेंसिल सेट हैं, वो लोकल कहीं भी मिल जाएंगे, तो मैं इसलिए आपको ये डेमोंस्ट्रेशन के लिए बताया है। आप सिर्फ वीडियो देख के आप नहीं सीख पाओगे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करने की है। अब 9B के जो बॉक्स है वो हम 8B को थोड़ा प्रेशर दे के करेंगे। तो ये हमारा 9B का बॉक्स जो है वो फील हो रहा है। शेडिंग में अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो शेडिंग अच्छी होगी। ये सिर्फ आपको कौन सा ग्रेड कितना डार्क होता है ये सीखने के लिए है। आगे किस तरह से शेडिंग करते हैं वो हम आगे के क्लासेस में जानेंगे कि किस तरह से शेडिंग स्टार्ट की जाती है, किस तरह से करते हैं। आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन जो शेडिंग है वो हम अगले क्लासेस में सीखेंगे। पेंसिल की, पेन की और कलर पेन, जो कलर पेंसिल आती है, उन तीनों की हम आगे के क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से होती है। तो ये 8B से 10B तक की जो हमारा बन गया है वो आप देख सकते हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।